राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं मानने पर पहले से सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों को लेकर विवादित बयान देकर सियासी पारे को गरमा दिया है। शिक्षा मंत्री ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात कही तो आदिवासी डीएनए टेस्ट के लिए अपने सैंपल देने के लिए शिक्षा मंत्री दिलावर के बंगले की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। आदिवासी नेता और सांसद राजकुमार रोत ने खास बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने आए हैं, लेकिन भाजपा आलाकमान ने ऐसे मंत्री से इस्तीफा नहीं लेगी तब तक आदिवासी चुप बैठने वाले नहीं है। शिक्षा मंत्री जिस जोश में कह रहे थे कि मैं आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराऊंगा और आदिवासी आज सड़कों पे आए डीएनए टेस्ट कराने के लिए, और चूहों की बिल की तरफ छुप रहे हो, गायब हो रहे हो। पूरे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, सभी जगह आदिवासी समुदाय सड़कों पे आके उनके मेल कर रहा है, उनको स्पीड पोस्ट कर रहा है, डीएनए टेस्ट करा, और आज चुप हो गए। आपकी हिम्मत ही नहीं है। और आज हम लोग आए, आज कल से मैंने कह रखा है कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए आगे से आए हैं। हम किसी प्रकार का कोई बखेड़ा नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनका बाप कौन है, इस तरह से बद्दा बात बोली है। हम सिंपल सी तरीके से डीएनए टेस्ट कराने आए हैं कि हमारा डीएनए टेस्ट कर लो, लेकिन आज वो गायब है। मेडिकल टीम भेज के, सरकार मेडिकल टीम भेज के हमारा डीएनए टेस्ट कराए। या तो हम खुद मदन दिलावर जी के आवास पर जाना चाह रहे हैं कि उनके वहां पहुंचे, हमारा डीएनए टेस्ट करो। नहीं, ये डिमांड कोई भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड नहीं है। ये तो पूरे आदिवासियों की डिमांड है। पूरे आदिवासियों का जो विचार है वो विचार आज आपके सामने प्रकट हो रहा है। ये कोई भारत आदिवासी पार्टी का या कोई संभाग विशेष का कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों का मुद्दा है। यस, हम लोग जो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उस बयान के परिप्रेक्ष्य में हम डीएनए टेस्ट के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम डीएनए टेस्ट करा करके और आदिवासियों का बाप कौन है इसका पता लगाएंगे, तो अब उनको लगाना चाहिए। वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप गए हैं? बता दें कि 21 जून को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि देश को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासियों के अपने आप को हिंदू नहीं मानने के सवाल पर दिलावर ने कहा कि ये तो पूर्वजों से पता चल जाएगा, वंशावली लिखने वालों से पूछ लेंगे, उनके डीएनए की भी जांच करवा लेंगे। उनके इस बयान के बाद से ही आदिवासी समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त है। प्रदेश भर में लगातार दिलावर को मंत्री पद से हटाने और आदिवासी समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठ रही है।